वेलकम बैक नाजरीन जी ने असा ता अपनी गाल पूरी कजो तो पय ते ओ टाइम दा प्रोग्राम बा अंदर कडो अल्लाह दे सो त अज बख्तमल खान ने जो जोर भरे पे त बाबा 62 63 ते अमल नथो कर सके छाका दा उन दा जरूरी आ है त का हेठी अदालत इन नुक्ते के नजर में रखी के मानो के जवाबदार ठहरायो हुजे इन्हें मतलब आए अगर नवाज शरीफ के 62-63 तहत दवा दुहारी करा दियो था ही अदालत में यो फैसलो आयो हो नंबर वन नंबर टू तो पान के हाथवानी वाले फैसले जो रेफरेंस दिनों जैमें चयों आसिफ सईद खोसा साहब पे अगूरी जजमेंट में आसिफ हाथवानी वाले केस की जज में या जजमेंट में चई चुको है त 62-63 जो आर्टिकल है यो अवाम जो पकवान है इन पान सगुर रेफरेंस चो तो उनका बो को मू उन पूरे नो रही सके माना हर इंसान गुनाहगार है उन्हें किथे न किथे रोह कयो है कान का गलती जरूर थी है ये सिर्फ पान सगुर पैगंबर हुआ उन्होंने का गलती गलती नी बाकी हर इंसान इन मतलब है तो जो भी 62-63 है बे नजर में अदम अतमाद है 62-63 के कोर्ट जो जैसे उन कोर्ट आर्टिकल 62 से को फैसलो दियन जो उन वक्त भी हक में ना हुआ तो हाँ कें गाल समझा तो सोचा तो आदो राय रखा तो वाकई नवाज शरीफ पार्टी ये किथे फोर्सी तो घट ही करे जज साहब जहन ठाए था 62-63 तहत तो बाबा उन मुताबिक फैसलो दिजे जैसे वाकई हो थो को अड़ी नुक्तों रखी कर हाँ तुम ये नवाज शरीफ जो बयान दिना उन्हें तजो करो ऐसो तो नवाज शरीफ वाकई 62-63 से पूरे लहे तो या नो लहे तो मुझे ख्याल नजर अची उनमें वो 68 जो भी जिक्र अची तो वे जैसे तब गाल कर जो जजन भी चो तो भाई हाँ पार्लियामेंट में अगर एक शे चेंजे थी पई तो 68 तहत तो उन कार्रवाई जो है वो किथे चैलेंज नथी करे सके अदालत में नथी आने सके बहरहाल यो एकड़ो बियो मामलो आ मामलो यो आ सही तो हाने ही मैं एकड़ी गाल कर अजा मंजूर तो मामलो यो आ अजा हनन जे जो औलाद है उनके वकील हैं उन्होंने भी दलील सामू अचना या शो अ शायद असा के चिट्टे नमूने से खुले नमूने से सामू थी नजर अचे तो भाई इन सजे मामले जो जो सो किथे वही छे थे तो बहरहाल इन वक्त तीन जो भी उन डिफेंस में प्राइम मिनिस्टर की डिफेंस में उन वकील को नो को दलील को दिनो है एक नई शे को नो एविडेंस को नो आर्ग्यूमेंट पेश को है ये सागे ही दलील ये सागे शूं जो इन अग में वकील हुआ वह भी दई चुका हुआ तो हाँ मामलो उन्होंने ये दिसो है जो जज साहबान भी चो तो भाई प्राइम मिनिस्टर चे तो भाई मुझी जिंदगी खुलियल किताब वागुर है पर हाँ उन्होंने जो रिमार्क्स हुआ तो उन जिंदगी में कुछ सिफा गायब आन गुम आन हाँ कड़ा इन ये डिपेंड करे तो नो तो जो उनके क्रॉस क्वेश्चन कन था उन वकील का मखदूम अली का तो वो यो ही है तो भाई हि जी गुम थियल शन गुम थियल कड़ियन ये असें बुधा ही शायद बुधाने में इंटरेस्टेड ना उनको भी हो पीटीआई वाले वो उन्होंने पेश कर छो उन्होंने दस्तावेज सबूत या जो भी हो उन्होंने पेश कर उन्होंने दलील दई वरता हाँ गेम जो है सो हाँ बाल जो है सो नवाज शरीफ की कोर्ट में आए मियाँ साहब की कोर्ट में आए तो पान के कें तो डिफेंड कराए मुझे ना ख्याल तो हि जो नो वकील भी आंदो तो यो को अड़ो को चमत्कार कर सकंदो या हन में हाँ ऐसे कें तो ये मामलो हले पर बहरहाल एकड़ी शे जैसे या थी तो अगर इन मामले से कमीशन ठे थी पी तो वाकई भी हैरत न होजन खपे जी जी मंजूर अच्छा गाल कई में एक हाँ वकील जो दलील जो तो वाकई इतने दलील तो घुर्बल आन को इन कर वकील की तब्दीली से को फर्क न पव इतने तो जाहिर है कि ठोस शायरू खपन थी एविडेंसिस खपन था तो उन बुनियाद से कोर्ट जो है डिसीशन कभी हाँ वकील तुम बह बदलाए वो अकरम शेख के हटाए मखदूम साहब के रखे वो पर मखदूम साहब वो सादा दलील हों तो कोर्ट उन मतलब को फैसलो दई सी बी गाल है कि जो आर्टिकल 62 या 63 जो अस चूं था जहाँ साहब चो तो उनको डायवर्ट किया पास
वासन जो सब मतलब इंटरलिंक्ड आहिनि सब गडियल आहिनि हिकु शयूं उन में तव्हां हिकिड़ी जॾहिं नुक़्ते ते वेंदो त उन सां गॾु ॿियूं शयूं निकिरंदियूं 62 ऐं 63 तरह बहस हेठि आयो आहे जो वज़ीर आज़म जा जेके ख़िताब आहिनि उन्हनि खे उन्हनि बुनियाद बणायो आहे त हुन हिकिड़ी तकरीर में हीअ ॻाल्हि कई आहे हिकिड़ी में हीअ कई आहे इहो ई सबबु आहे त कोर्ट उनखे पंहिंजा रिमार्क्स ॾिना त हुन अधु सच ॻाल्हायो आहे अधु कूड़ ॻाल्हायो आहे त मां सम्झां थो लिंक आहे न इहे जॾहिं मिसाल तौर ते हिकु माण्हू क़तलु थींदो आहे त उन ते 302 त कलम लॻो आहे पर ॿिया कलम गॾो गॾु हुन ते हणी छॾींदा आहिनि त पोइ शयूं जेके आहिनि सो ज़ाहिर अनफोल्ड थींदियूं हूंदियूं आहिनि ऐं सभिनी शयुनि ते फैसलो मां बि इहो चवां मंज़ूर ॾिसो हीउ केस जेको बेसिकली ठाहियो आहे न हीउ को पीटीआई वारनि कोन ठाहियो आहे हीउ केस ठाहियो ख़ुदि ख़ुदि ठाहियो ई नवाज़ लीग वारा सबूत जेको आहे कतरी शहज़ाद जो ख़त आहे जेकॾहिं प्रोड्यूस न कंदा त शायदि ई मामिलो एतिरो गंभीर न थिए आहे पर हिननि ख़ुदि उहो ख़त पेश करे मामले खे एतिरो शकी बणाए छॾियो आहे एतिरा सवाल उथारे छॾिया आहिनि जो हाणे उहो ख़ुदि पाण मुंझी पिया आहिनि त हाणे हिन मां ॿाहिरि कीअं निकिरजे त तव्हांखे यादि हूंदो जॾहिं अनवर ज़हीर जमल साहिबु हिन केस जी प्रोसिटिंग करे रहिया हुननि जी अॻुवाणी में जॾहिं पंहिंजो कोर्ट हलाई पई त कतरी शहज़ादो पंद्रहनि खां 20 ॾींहं जेको आहे सो लाहौर में मौजूदु हो उनजो ख़्यालु हो त अगरि जस्टिस जमल साहिबु अगरि केस फ़ैसिलो करे थो ऐं बयान ॾियण लाइ कतरी शहज़ादे खे कॉल कयो वञे थो त उहो फ्लाइट मिले न मिले लेट थी वञे त कतरी शहज़ादो अॻे हिते मौजूदु हो पर पोइ ज़ाहिर आहे जमल साहिबु हिन केस खे हुते विच में छॾियो नई बैंक सही जनवरीअ खां त मुंहिंजो ख़्याल आहे त अहिड़ी का सूरत हाल बीठी त कतरी शहज़ादी चौधारी घुमे थो हिननि वटि अदरवाइज़ ॿियो को एविडेंस आहे ई कोन उहो हिन ते ई रिलाए कयूं वेठा आहिनि त इहो ई वॾो सबूत आहे ऐं मुंहिंजे ख़्याल आहे इहो ई सबूत जेको आहे इहा ई शायदि जेका आहे असां हिननि खे ॻिचे में पवण वारी आहे विझी मंज़ूर साईं मां सम्झां थो तारीख़ी तौर ते जॾहिं निश्चित शरीफ़ थींदी त जॾहिं ॾुखिया ॾींहं वेंदा आहिनि त हुननि जूं निगाहूं जेको अर्ब ॾांहुं खॼंदियूं आहिनि कॾहिं हुननि खे अरब सऊदी अरब जा शहज़ादा कमु अची वेंदा आहिनि हितां बेल आउट कराए हिन खे फैमिली समेत उते सऊदी में सेटल कंदा आहिनि हिन भेरे कतरी शहज़ादो जेको आहे सो उन जो हवालो अची वियो आहे हाणे जॾहिं चए थो त हिते बेल आउट ॿाहिरियुनि कुवतुनि जे हथां असांजा जेके हुकमरान थियनि था मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते त इहा जेका शइ आहे इन शइ ते सोचण जी ज़रूरत आहे ॿी ॻाल्हि इहा आहे त तव्हां हिननि इन में फासी विया आहिनि नवाज़ी नवाज़ शरीफ़ फैमिली जेका आहे त पहिरीं त हुननि जेके महफ़िल में फ्लेट्स आहिनि उहे ऑन करे वेठा आहिनि हाणे ऑन जीअं सिरे महल वारो मामिलो हुते शुरू खां पीपल्स पार्टी आसिफ़ ज़रदारी जा मोहतरमा हुनखे ऑन ई न कयो जो ख़बर न आहे कंहिंजो आहे त उहो केस त इन बुनियाद ते असां वटि आहे कान हाणे हिननि पहिरीं अञा त नवाज़ शरीफ़ जे पुट जेको आहे सो कंहिं हिकिड़े टीवी इंटरव्यू में इहो बि मञियो हो त असां वटि हिननि फ्लेटनि खां अलावा अञा हिकिड़ो ॿियो घर बि आहे ॿियो घर बि आहे ऐं हुनजो जेको ओनर आहे उहा असांजी वालदा आहे हाणे इहो बि सवालु अगरि प्रोसीडिंग्स हलियूं त हुन मां पुछियो वेंदो या राइज़ थी सघे थो पियो त भई इहो घर बि तव्हां किथां आंदो इन जा पैसा किथां आया त हुन टाइम ते हुनखे शरीफ़ शहज़ादे खे ख़बर न हूंदी त मामिलो केॾी गंभीरता सां वञी सघे थो ज़रूरु न आहे त असांखे ॿियो शहज़ादो मिली वञे अरब कई अरब मुल्क आहिनि जिते बादशाह मौजूदु आहिनि अगरि मैडम कुलसुम नवाज़ जे घर जी मालिकी जो मामिलो थियो त ख़त कंपोज करण में टाइप करण में पहुचाइण में देरि घणी लॻंदी आहे ज़ुल्फ़िकार हिन ते छा राय रखो था तव्हां अच्छा हे जेको इंसाफ़दार साहिबु आहे त उनजो बयान बि त अञा ताईं मौजूदु आहे न त जंहिंखे तहरीक इंसाफ़ वारा मनी लॉन्ड्रिंग जे हवाले सां चवनि था पर बुनियादी तौर ते मां उहा ई ॻाल्हि कयां पियो न त सभु जा सभु सवाल अञा ताईं मौजूदु आहिनि न त जेकॾहिं तव्हां पाकिस्तान मां मनी लॉन्ड्रिंग खे साबित करण जी कोशिशि कंदव तॾहिं बि त तव्हां सबूत ॾींदव न सिर्फ़ु इसाक़दार जे हुन बयान खे त कोर्ट कोन कंदव त इसाक़दार साहिबु चयो हो ऐं उहो इसाक़दार साहिब जी प्रेस कॉन्फ्रेंस या बयान मौजूदु आहे या हुसैन नवाज़ इंटरव्यू ॾिनो हुजे हाणे ॾिसो न त इन कॉन्टेक्स्ट में ॻाल्हि नथा कयूं पर साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जे हवाले सां ख़्वाजा आसिफ़ साहिब टीवी ते अची चयो त बिल्कुलु इहो थियो आहे टे ॾींहं अॻु में थियो आहे ॿिए ॾींहुं सेनेट में चई त अहिड़े क़िस्म जी का ॻाल्हि ई कोन्हे त जेका इतिहादी
आर्मी जेका है उनजो सरबराह थियो आहे राहिल शरीफ साहब सेनेट में जी चई का एनओसी कोन्हे उनखां अलावा इजाज़त या हर क़िस्म जो बयान असांजे साम्हूं आयो ई कोन्हे को पर ॿार टीवी ते अची ॻाल्हि कई आहीं त टे ॾींहं अॻु में इहा ॻाल्हि थी आहे त हाणे अहिड़े क़िस्म जी सूरत हाल जेकॾहिं सुभाणे हिन केस में थिए थी पानामा वारे में जंहिंमें नवाज़ शरीफ साहब जा फर्ज़ंद जी चवंदा त टीवी ते चयो या अहिड़े क़िस्म जी सूरत हाल ख़ुदि जज साहिब जे साम्हूं हूंदी त हाणे फ़ैसिलो टीवी इंटरव्यूस ते बीठल आहे त उनजो जेको फ़ैसिलो आहे या उनजो इम्पेक्ट आहे उहो असांखे शायदि ॾिसो हींअर बि जेकॾहिं तव्हांखे मनी लॉन्ड्रिंग जो मामिलो सम्झणो आहे त पोइ हिसाबदार जे बयान खे तव्हांखे साबित करणो पवंदो ॿियनि इल्ज़ामनि खे साबित करणो पवंदो पर जेकॾहिं ॻाल्हि अॻिते दुबई फ्लैट्स खां वठंदव त पोइ जज साहिब लंडन ताईं जेकॾहिं विच में मामिलो थियो आहे त छा असांजो कानून या उन्हनि जो उन्हनि मुल्कनि जो कानून लागू थिए थो या नथो थिए त हीअ सभु सवाल त पहिरें कनेक्ट थियनि न त मामला किथे बि आहिनि अच्छा हिन में ज़ुल्फ़िकार हिकिड़ो अहम किरदारु जेको आहे सो उहो आहे रहमान मलिक जो तव्हांखे यादि हूंदो जॾहिं एफ आई ए जो डायरेक्टर हो तॾहिं हिन उहो हिकिड़ी एक्सटेंसिव जेको आहे सो उन ते रिसर्च करे ऐं सबूत शाहिदियूं कठियूं करे हिकिड़ी रिपोर्ट ठाही हुई ऐं उहा रिपोर्ट सभिनी वटि आहे उनमें ईअं नथो थी सघे त हीअ या त कोर्ट हुन घुराई या हीअ पाण वञी जेको आहे कोर्ट में पेश थियो ॿुधायो त भई मां कोर्ट जी असिस्टेंस लाइ आयो आहियां मूं वटि जेके इंफॉर्मेशन आहे या मूं जेके शाहिदियूं गॾु कयूं उहो हिन तरीक़े जूं हिन क़िस्म सां मनी लॉन्ड्रिंग थी हुन में ही ही किरदार आहिनि हुन में ही ही सबूत आहिनि पीपल्स पार्टी में मौके पर रखे थी त पानामा वारे मामले में छो जो सेनेट मां असां सां बिल मंज़ूर करायो आहे हर सूरत में चोथो मुतालबो या टियों मुतालबो इहो आहे त असांजो इहो मुतालबो तस्लीम कयो वञे इन करे असां इन केस में सुप्रीम कोर्ट न वेंदासीं इहो पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ आहे साईं हाणे त केस त हले थो न केस हले थो वञे अॻो पोइ कोन को फ़ैसिलो त अचिणो ई आहे भले हुनखे पीपल्स पार्टी हुनजो हिसो थिए या न थिए ऑलरेडी हले थो पियो त हुननि खे हाणे ई मुफ़ाहिमत ऐं अजीब क़िस्म जो जेको इहो मामिलो आहे या तव्हां मुल्क खे ॾिसो क़ौम खे ॾिसो ही हाणे कोर्ट चए थी पई त भई असीं मफ़रूज़नि ते का शइ को फ़ैसिलो न ॾींदासीं अगरि मुल्क में करप्शन थिए थी को माण्हू अवाम जो पैसो जेको आहे सो लुटिजे थो फुरिजे थो इहो मफ़रूज़ो आहे हाणे हिन ते कीअं को दस्तावेज़ पार्टी जे साम्हूं हिसाबदार साहब इहा ई ॻाल्हि रखी आहे न त तव्हांजा जेके टे चार मुतालबा आहिनि हुन मां हिकिड़ो मुतालबो तव्हांजे मुतालबे खां तमामु वधीक सतह ते यानी मज़बूत सतह ते सुप्रीम कोर्ट जे अंदरि हले पियो ऐं पीपल्स पार्टी सम्झे थी त जेकॾहिं असां वियासीं त असां पंहिंजे मौक़िफ़ खे कंट्राडिक्ट कंदासीं त असां सुप्रीम कोर्ट में वञी ऐं पानामा जो केस घुरूं या सबूत घुरूं जीअं मूं अॻिते तव्हां सां डिस्कस कयो त जेकॾहिं नवाज़ शरीफ़ साहब जो मामिलो नवाज़ शरीफ़ जी सतह ते खुले थो त इतिज़ाज़ हसन साहब तमामु घणियूं तकरीरूं कयूं त असांखे इनकम टैक्स जा गोशवारा ॾेखारे नवाज़ शरीफ़ साहब छो जो हुन सौ या हज़ार खां वधीक हेतिरे अरसे में जमा ई नाहिनि कराया त जेकॾहिं मञी बि वठो जेकॾहिं बिल फर्ज़ था ॻाल्हि कयूं त पोइ वरी इतिज़ाज़ हसन साहब या पीपल्स पार्टी वेंदी त तव्हां असेस में कहिड़े क़िस्म जी का ॻाल्हि न कई तंहिं करे मुस्लिम लीग नवाज़ जे साम्हूं बि कानूनी समूरा पैनल मौजूदु आहिनि न पाण पीपल्स पार्टी खे सिखिया आहियूं पर ऐसी ताईं जेकॾहिं पाण पीपल्स पार्टी जे सॼे सूरताल ते नज़र रखंदासीं पीपल्स पार्टी पानामा लीक्स वारे इशू ते काफ़ी पहुचे रही आहे ऐं ख़ासि तौर ते जॾहिं असां ॾिसूं था आसिफ़ अली ज़रदारी साहबु पाकिस्तान आयो आहे त उनखां पोइ त हू नवाज़ शरीफ़ जे ख़िलाफ़ जेका मूवमेंट या का ॻाल्हि ठही पए उहा बि असांखे पोइ ते नज़र अची वई आहे पाण खे यादि हूंदो तमामु घणा बयान यादि तव्हां ख़ुशी शाह साहब जो बयानु यादि कयो त हुनजो असीं जेको आहे मुंहिंजे ख़्याल रमज़ान खां पोइ तमामु जेको आहे ईद खां पोइ असीं सभु कुझु करण वारा आहियूं उहो रमज़ान बि गुज़री वियो पोइ वरी तव्हांखे यादि हूंदो बराबरि ज़रदारी साहब चयो पियो त 27 डिसंबर खां पोइ असां जेको तहरीक जो ऐलानु कंदासीं 27 डिसंबर बि गुज़री वई आहे पाण 7 जनवरी जे मिड जनवरी में वेठा आहियूं इहो ॻाल्हियूं थी वियूं आहिनि त हिते जेकॾहिं पाण पीपल्स पार्टी वारे इशू खे जेकॾहिं हिन सां गंढींदासीं त मुंहिंजो ख़्याल आहे त उनजो अञा ताईं को तालुक़ु जोड़ण लाइ हू तयारु न आहिनि अदरवाइज़ जेकॾहिं पाण पब्लिक जो ॻाल्हि ॾिसूं अवाम जी ॻाल्हि ॾिसूं त पाण खे सुप्रीम कोर्ट जो कलोकी ऑब्जर्वेशन ज़हन में रखणु घुरिजे त मां अवाम जेको चाहे थी त सत्य खे आॾो आणिजे अवाम त वाक़ई सत खे आॾो आणणु चाहे थी त सत्य छा आहे पर आया इहो ॾिसणो पवंदो ॿियूं पोलिटिकल पार्टीज़ बि इहे ई सत खे आॾो आणणु चाहिनि थियूं या नथियूं चाहिनि ऐं ख़ासि तौर ते असांखे हिन सिलसिले में ॿी वरी पोलिटिकल पार्टी या पीपल्स पार्टी जो जेको मौक़िफ़ु आहे उहो बिल्कुलु चिटो थींदो नज़र नथो अचे कॾहिं हू जेको आहे सो जीअं फ्रंट फुट ते वञी खेॾनि था सॼी सूरत हाल खे
कदे बेड फुट ते खेलन था कदे जको सो बाल को डक कर छदिन था तो सभी सूरत आले कुछ पार्टी वाले के बिल्कुल ते आए कदे ते मुजे ना एक गाल ते ही गाल पर या गाल की अहम जरूर आए इन सभी किस्से में तवाब सभी सूरत आले से पियो जेकरे के मानो के या के खास दुर के या पार्टी के या गाल जहन में अचे थी तो असि चुप कर बैठा सी ए मानो असा के जको पेड़ो उनके अगर वो न कंदा होगा उनते को राय न देंदा होगा तो मुझे ना ख्याल तो दुरुस्त डिसीजन करता उन जो या घर में रखा होते थी तारीख जो तमाम अहम तरीन केस आए ये वो केस आए जो मैं यह गाल साबित भी थे तो इतने हुक्मरान हमेशा पहले मफादन को अगर रखो आए उन मुल्क में हर किस्म की करप्शन कई है जैमें पैसो हिता को मुल्क में खी वही उत कारोबार करना है मुल्क जो इतने जो आम जो दुर्बत के हेटी सतह से वह पो यो के साबित थोड़ा केस के फैसले से उन फैसले एडे अहम तरीन केस में एक धुर जो खामोश थी वह अणसिधी तरह इन केस में जो जवाबदार धुर समझी वे पी शेख रशीद भी शेख रशीद भी तो यही गई ना तो असो बो को मकसद को सिर्फ सिंपल एक सवाल है तो बबा नवाज शरीफ जो है सो वो मनीटर बुधा अस घर जहाँसी किसो ए तो भाई मनीटर बुधा जान छुट्टी असो को लड़ो जो है जी अच्छा मामलो आए बेसिकली तो मनी लॉन्ड्रिंग जो है मनीटर जो सवाल उतने तो ये पानामा लीक्स में पैसा कि मुंतकिल किया मनी लॉन्ड्रिंग अड़ो मामलो है जिनमें खुद पीपल्स पार्टी पान फाती पी है ना असा ही जो अयान अली वालों केस है या इनके मिल्कतू बार ये भी सवाल उठन था तो उन शुद पीपल्स पार्टी पान फाती पी है तो वह कि मिसाल ऑफशोर कंपनी जो एक जैसे इशू उठो तो इमरान खान के नालो अचे तो इमरान खान डिप्यूटी अचे तो वो उन्हें पहले उतने आर्गुमेंट देना तो छो ठाई कि पर पीपल्स पार्टी जेका बाहर मिल्कत मुंतकिल कई है उनके लिए तो उनके दलील ही कोत ही वो केस मामलो इनको अयानी वो मोबलियाना तौर पर इन सब लीक आए तो वो उन्हें फाता पाया ये चाहन था तो आर्मी चीफ जी तब्दील थो उनको बो आया उन वर्किंग रिलेशन जाहिर है शुरू में नवाज शरीफ जहाँ प्राइम मिनिस्टर जहाँ नॉर्मल ही होंगे तो ये चाहते तो उन्होंने शेयर में अस नवाज शरीफ तक चिकतार में अची बाकी पोलिटिकल जो बयान खुर्शीद शाह ये दींदा रहा पर ओवरऑल जो पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है वह कतई तौर पर नजर नी अचे तो वो नवाज लीग सा या प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ सा कें चिकतार में अचन तो वो चाहन था अस गजी जी मुफाहमत में अठ साल कढ़िया एक बे जो दिफा कदे कदे हाँ खबर है कि इमरान खान अची वो जो बिन्हीं के चवे तो भाई मुख मुख आए ही धंधा तो ये चाहता तो असा एलानिया तौर पर न पर अणएलानिया तौर पर बुक बुक एक बे के बचा घुर्जे तो वो कि मामले के नोट में रमान मलिक दीदो या तुम आसिफ अली जरदारी की वापसी का पीपल्स पार्टी जो मोमेंटम हो जो तहरुक हो केतो थदो थी वो छो तो इनको तिरजे सियासत जो है आसिफ अली जरदारी जो वो बिना मुख्तलिफ है वो तो नौजवान मानू आए बिलावल उनके स्टेज पर बिहार था छन उन्होंने जिता अचे तो जाहिर एक नो रक्त है जैसे स्टेज पर कुछ हजार मानू दिसे तो उन्होंने गाल तो वे गाले के जाहिर अपोजिशन वक्त हुकूमत वाला बीता शे होंगी कान टारगेट भी हुकूमत एक तो उन्होंने गाल तो वे तो आसिफ अली जरदारी तमाम मोहतात है बेनजीर की 27 दिसंबर वाली जो वर्सी थी हुई उन मामलो है वो केस अगर हलंदड़ है इन पा डिस्कस भी कदासी हिंसर प्रोग्राम जो टाइम भी पूरा थो है नाजिम बे प्रोग्राम तीन असा इजाजत खुदा हाफिज़।